बिहारी मुसलमानों का नेता ओवैसी क्यों? कौम का जज्बा रखते हैं वो, लेकिन कहीं कहीं वो जो है जज्बाती हो जाते हैं। तो 2020 में दिखा ट्रेलर ओवैसी अगला किंग मेकर। जहां पे एमआईएम के लोग अगर जीत रहे हैं वहां तेजस्वी के लोग पीछे हैं। यूपी तो लड़ेंगे 22 में, उसमें कोई पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। ओवैसी द चेजर, द ग्रेट गेम चेंजर। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है ओवैसी की AIMIM। असदुद्दीन ओवैसी है भाजपाई तोता और वोट ध्रुवीकरण की काठ की हांडी होगी फेल। हैदराबाद का एक नेता 1750 किलोमीटर दूर सीमांचल में आकर किंग मेकर कैसे बन गया? बिहार की सियासत में 3 दशकों तक MY समीकरण से राज करने वाले लालू यादव को ओवैसी का करंट कैसे लग गया? ओवैसी को वोट कटुआ कहने वालों को सीमांचल की जनता ने इस बार करारा जवाब दे दिया है। बीजेपी आसाम में कहती है कि 15 लाख हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं। ओवैसी ने 21 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 सीटें फतह कर ली और सरकार बनाने का दावा करने वाले LJP के नेता और रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान की पार्टी 1 सीट पर सिमट आई। ओवैसी भले ही 5 सीटों पर चुनाव जीते हों, लेकिन उनके तेवर बंगाल में ममता दीदी, कांग्रेस और यूपी में अखिलेश यादव की नींदें उड़ाने के लिए काफी हैं। हम आ रहे बंगाल को, आ रहे अब बराबर आएंगे बंगाल को। मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, मालदा भी जाएंगे, दिनाजपुर जाएंगे, सब जगह जाएंगे। अधीर रंजन चौधरी क्या ठेका लेके बैठे हुए मुसलमानों का? अधीर रंजन चौधरी को बताना चाहिए कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुसलमान इतने बुरे हाल में क्यों है। तो ऐसा क्या हुआ जो सीमांचल के मुसलमानों ने ओवैसी में अपना नेता खोज लिया? दरअसल मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर संसद में बेबाक राय रखकर ओवैसी ने धीरे धीरे ही सही देश के मुसलमानों में अपनी जगह बना ली है। और ऐसा नहीं है कि 100% मुसलमान ओवैसी के साथ खड़े हैं, मुसलमानों के भीतर भी ओवैसी को लेकर दो राय दिखती हैं। बिहार चुनाव के दौरान न्यूज 24 के कार्यक्रम में ओवैसी को लेकर कुछ मुसलमानों की राय देखिए। बीजेपी यहाँ पे जो कांग्रेसी लोग हैं, हमारे अब्बा, हमारे दादा मरहूम कांग्रेसी, लेकिन मैं जो हूँ मैं वोट दूंगा पतंग छाप में इंशाल्लाह। और इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये कम्युनल कोई बात है, मामला ये है कि भाजपा का डर, यहाँ जो कांग्रेसी लोग हैं ये 70 साल से ये बात बोलता है। यहाँ पे मार्केट में क्या होगा, 2-3 दिन पहले एक हवा उड़ाएगा लोग, भाजपा जीत जाएगा, भाजपा जीत जाएगा, भाजपा जीत जाएगा, भाजपा जीतेगा, वोट हमको दो, हमको दो। कौन कैंडिडेट है, क्या करेगा, क्या उनका मिशन है, क्या विजन है, कुछ मतलब नहीं है, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, भाजपा, भाजपा को हराओ, भाजपा को हराना है, RSS को हराना है, हमको वोट दो। हमारे MP साहब ने स्टेटमेंट दिया कि नाना काना मामा से जो है ना, हाँ काना ना मामा से काना मामा अच्छा है। मतलब आप किसी अंधे बहरे गूंगे किसी को भी आप एक लेजिस्लेटिव जो है आप पावर दे दीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपको आके बोलेंगे बाबू चुड़ी पट्टी में हो, तुम लोग मुसलमान हो, तुमको भाजपा से हम बचाएंगे। तो हमारे यहाँ जो है हिकमत और बुजदिली, हमारे गार्जियन को बुजदिल बना दिया है लोग। 99% यूथ जो है, 99% यूथ MLA MP के काम पे नहीं जाते, वो जाते हैं कि जड़ से चल जाते हैं, यहाँ से बीजेपी जीत जाएगा, ठीक है, काम पे नहीं, वो कोई काम नहीं करता है। लोग जो है मिलजुल के जहाँ पल्ला भारी तेजस्वी का है वहाँ लोग MIM के लोग थोड़ा पीछे हट करके तेजस्वी को सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ पे MIM के लोग अगर जीत रहे हैं वहाँ तेजस्वी के लोग पीछे हैं, MIM को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, चूंकि दोनों मिल करके जो है बिहार में गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेंगे।
दरअसल बिहार में जिन मुसलमानों ने ओवैसी को वोट दिया उनके दिमाग में ये बात घर कर गई कि बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लेने का वक्त चला गया। दूसरी बात, ओवैसी सीटें जीतने के बाद बीजेपी के साथ जा नहीं सकते तो उनके हाथों को मजबूत करने के लिए निर्णायक वोट देना जरूरी है और विदेश से बैरिस्टरी की पढ़ाई करने वाले ओवैसी की तकरीर का अंदाज इतना निराला है कि कोई उनके सामने टिक नहीं पाता। ओवैसी पढ़े लिखे हैं, पैसे से मजबूत हैं, युवा हैं और एक क्रांतिकारी नेता की इमेज बनाने में कामयाब रहे हैं। तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले किशनगंज में 7 दिन तक होटल में डेरा डाले रहा, हेलीकॉप्टर से रोज 4-5 सभाएं की और 5 सीटें लेकर 15 साल बाद बिहार में बदलाव की बहार आने से रोक दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।